नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आपको फिर से मेरे YouTube चैनल सिंपल फैमिली किचन को आपको स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे, चलिए विश्व प्रसिद्ध एक जगन्नाथ भोग। 60 फुट भोग तो जगन्नाथ के पास लगता है, वो प्रसाद पूजा होता है, उसमें से हम एक बनाएंगे मीठा खिचड़ी। मूंग दाल में बनाते हैं उनको, हमने आज बनाएंगे। आप लोग तो पूरी आए होंगे, खाए भी होंगे, फिर भी हमने एक बार घर में ट्राई करते हैं कैसे लगता है। क्या बच्चे लोग भी खाएंगे, हम भी खाएंगे, कैसे लगता है उसके लिए जरूरत है। मूंग दाल खिचड़ी बनाने के लिए जरूरत है मूंग दाल 1 कप, चावल 1 कप, घी 2 चम्मच, चीनी 1/2 कप, स्वाद के लिए नमक, काजू 5 या 6 पीस, तेजपत्ता 2 पीस, किशमिश 7 या 8 पीस, इलायची 3 पीस। बनाने से पहला अपने इस मूंग दाल 1 कप को 3 या 4 घंटा भिगो के रखेंगे और 1 कप चावल को 1/2 घंटा या 15 मिनट उनको भिगा के रखेंगे। जिसका चावल थोड़ा मोटा है वो 1/2 घंटा भिगा के रखेगा, जिसका चावल थोड़ा ऐसे पतला है उनको 15 मिनट तक भिगा के रखेगा। यह बासमती चावल में भी करने से भी वो अच्छा रहेगा, उनको भिगा के रख देंगे। देखिए मैं उनको भिगा के रखा था 3 घंटा पहला भिगा के रखा था, अभी हमारा मूंग दाल भीग चुका है। और चावल का भी मैंने बनाने से पहला, ये मेरा पतला चावल है इसलिए मैंने 15 मिनट पहला से भिगा के रखा था। चलो अब हम बनाएंगे मूंग दाल खिचड़ी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मूंग दाल खिचड़ी। पहला गैस चालू करके कुकर बैठा देंगे, इसमें पहला हमने घी डालेंगे 1 चम्मच। अब हमारा घी गर्म हो गया, उसमें डालेंगे इलायची, कैसे कूट के रखा था इलायची, और 2-3 तेज पत्ता। गर्म हो गया, सिम करते हैं गैस को। उसके बाद हम डालते हैं किशमिश, काजू। इसके बाद अब हम डालेंगे वो जो चावल रखा था, 1 कप चावल के लिए 3 कप पानी डालेंगे, क्योंकि ना मूंग दाल भी डाला हुआ है इसलिए 3 कप पानी डालते हैं। स्वाद के लिए डालते हैं नमक, 1 कप चावल और मूंग दाल के लिए अपने 1/2 कप चीनी ले सकता है, नहीं तो कोई कोई गुड़ भी यूज करता है, गुड़ भी डाल सकता है। अब डालते हैं हमने अभी चावल को जो भिगो के रखा था, वो चावल और मूंग दाल को अच्छी तरह से धो के उसमें डाल दिया है। 1 कप चावल 1 कप मूंग दाल में 3 कप पानी दे के नमक डाल के, नमक चीनी सब डाल के हमने उनको एक सीटी लगा देते हैं। चलिए अब ढक्कन बंद कर देते हैं। देखिए अब हमारा सीटी आ गया है, ये चीन करके एक ही सीटी में कर देंगे हमने, वो चावल बन जाएगा। अभी सीटी आ गया है अभी हमारा, उनका ठंडा आने से गैस को बंद कर देते हैं, 5-10 मिनट छोड़ देते हैं, ठंडा आने से बस निकलते हैं कैसे हुआ है। चलिए अब देखते हैं हमारा मीठा खिचड़ी बना या नहीं, सीटी खोलते हैं। वाह देखिए बन के रेडी हो गया जगन्नाथ प्रसाद खिचड़ी, मूंग दाल खिचड़ी। अब हमारा बन के रेडी हो गया जगन्नाथ, पूरी जगन्नाथ का प्रसाद, मूंग दाल और चावल का खिचड़ी। उनका सजावट करने के लिए किशमिश, इलायची, काजू, तेजपत्ता ऐसे ऐड करके सजा देंगे। इसके ऊपर हम अपने घी ऐड करते हैं, जिसको घी पसंद है वो घी डाल के खा सकता है, नहीं तो पहला हमने तड़का में भी घी डाला था वो घी भी खा सकता है। चलो बन गया है अभी।
ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहे, मुझे सपोर्ट करते रहे और लाइक शेयर कमेंट करते रहे। मेरे चैनल देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद। मैं आप लोग को मिलती हूँ मेरी अगली वीडियो पर। नमस्ते मेरी प्यारी दोस्तों।